अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। कोरोना वायरस कोविड की वजह से इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों को ख्याल रखना है। कुछ लोगों को जानता हूँ, उनके इवेंट्स थे, शादियाँ थी, फंक्शंस थे, जो कि कुछ देर के लिए बिल्कुल कम हो गए। 10 या 20 लोगों से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। एक फ़ायदा उन सबको हुआ, उनके बच गए बहुत से पैसे। देखिए ना, सादगी का वैसे भी हुक्म है, तो कितनी अच्छी बात है कि अब हम सादगी पर अमल कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं करते। अब शादी की अजीब अजीब रसूमात होती हैं। आप जानते हैं, एक जगह मैं पढ़ा था, अफ्रीका में कॉन्गो में दुल्हा और दुल्हन अपनी शादी की तमाम रसूमात के दौरान हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हंसेंगे या मुस्कुराएंगे तो लोग ये समझते हैं कि ये दोनों सीरियस नहीं है। सो दे हैव टू बी स्टिफ एंड दे हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। इट्स स्ट्रेंज, हमारी शादियों में हम तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और दुल्हा दुल्हन की तो मतलब हंसी नहीं बंद हो रही होती ना। फीजी में, इमेजिन फीजी में क्या होता है, यानी जो साहब रिश्ता मांगने जाते हैं तो उनको अपने ससुर को खुश करने के लिए वेल का टुथ देना पड़ता है। यानी जब तक वो वेल का टुथ नहीं लेके जाते तो ससुर साहब खुश नहीं होंगे और शादी के लिए हानि की जाएगी। तो जनाब, ये अजीब अजीब रसूमात है शादियों की। आप सोच रहे हो कि मैं शादी की बात क्यों कर रहा हूँ, कोई मॉर्निंग शो में शादी करवाने तो नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कराऊंगा अपने शो में शादी, लेकिन मैं बुलाने जा रहा हूँ समबडी वेरी स्पेशल, जो कि अपने शोज में कुछ शादियां भी करा चुकी हैं, लेकिन करती हैं जबरदस्त शोज, बहुत मजे की होस्टिंग करती हैं, रोज हमें स्क्रीन पे नजर आती हैं और हर रोज वो एक नया शो लेके आती हैं और फ्रेश भी लगती हैं। और उनके साथ obviously the master of all trades, he's a director, he's an actor, he has directed television films, aur kya kuch nahi karte yaar, milte hain dono se lekin ek break ke baad। hamare sath rahiye, dekhte rahiye Time Out with Ehsan Khan। And you are watching Time Out with Ehsan Khan। आज हमारे साथ, मैं बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ, बहुत स्पेशल कपल है, बहुत प्यारे लोग हैं, सुपर मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। मैं इनसे बहुत इंप्रेस हूँ, दोनों से, एक से नहीं दोनों से। यानी एक जबरदस्त होस्ट हैं, एक्टर भी जबरदस्त हैं, फिर कॉमेडी करते हैं, तो मतलब लगता है कि वाकई यार ये कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं। और जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो तो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, फिल्म भी बना चुके हैं, टेलीविजन के ड्रामे भी कर चुके हैं, और एक्टिंग भी कमाल करते हैं। वो चाहे सीरियस एक्टिंग हो, चाहे एक शरीफ आदमी की एक्टिंग हो, चाहे कॉमेडी एक्टिंग हो, आई मीन दे आर मल्टी टैलेंटेड, दे बोथ बिलोंग टू अ मल्टी टैलेंटेड फैमिली ऑल्सो। प्लीज वेलकम यासर एंड निदा। वेलकम वेलकम, प्लीज बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हसन? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं माशाल्लाह फर्स्ट क्लास। मुझे ये बताएं, ये सिर्फ शोज में आपका हाथ पकड़े आपको आगे लेके आते हैं, आम दिनों में भी आगे के भाग रहे होते हैं? अक्सर शोहर होते हैं शॉपिंग में जाते हैं, बीवियां पीछे रह जाती हैं, शोहर आगे आगे चल रहे होते हैं। नहीं, जिस दिन हील बड़ी पहनी होती है ना उसने, फिर आहिस्ता चलती है। हां, फिर आहिस्ता भी चलती है, कुछ स्टेप आता है यार, जैसे फिर हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, तो मैं आम तो लड़ता हूं, हील छोड़ दो। इनकी मजबूरी है मेरा हाथ पकड़ना, क्योंकि मेरी नजर कमजोर है, एक दफा मैं गिर चुकी हूँ। मैं तो कह रही थी इनकी मजबूरी का ऑप्शन नहीं है, ये भी है ऑप्शन भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है ऐसा। बहुत अच्छा, इनको मैं गवाह, इनको लड़कियां बहुत तंग करती, इतने फोन करती, लेकिन हमारे भाई इतने शरीफ हैं कि सब कॉल्स काट देते हैं। ये गवाही मैं नहीं दूंगी। नहीं, मैं, अच्छा मिलॉर्ड, ये गवाही मैं खुद देखा, यहाँ तक कि इनको ये बाथरूम का दरवाजा बंद था और बाथरूम में बैठ के भी इनको कोई वीडियो। मेरे बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं होता, ऑर्डर है मुझे, दरवाजा लॉक नहीं कर सकते। क्यों भाईजान, ये मसला है, मैं बाथरूम का दरवाजा खुला होना चाहिए, और अगर लॉक हो तो वहां अंदर बाहर से लॉक क्यों किया है? खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चाबी भी रखी हुई है बाहर। कसम नहीं, इसी क्या इसकी वजह यार, ये कभी, ये मेरे ये कभी नहीं हुआ। ये इंसान पूरे दिन बाथरूम में रह सकता है, तो बाहर हम क्या करें फिर? हम सीरियसली, हमें रह सकता हूं पूरा दिन बाथरूम में। अच्छा, कभी कभी जब बहुत दिल करता है अकेले होने का, तो फिर बेचारे बाथरूम तक ही जाएगा, कहां जाएगा बेचारा? बाथरूम में भाई, बाथरूम में आके भी बुरी बातें होती है। यासिर पता है मैंने वो किया था, यहाँ हो गया था, ये किया था, वो किया था, वही तो चुप होता है यार। ठीक है, मैं यहाँ तो सुकून से बैठने दो यार, ये वहां भी सुकून नहीं है।
मैं बड़ा दुखी हूँ इस वक्त। ये सारी डिटेल और ना बताना खुदा के वास्ते, मतलब और क्या क्या रखा हुआ है कि और क्या बताना चाह रहे हो। फिर मुझे ये लगा कि ये मॉर्निंग शो में, क्योंकि इतना मॉर्निंग शो में बहुत बोलना पड़ता है यार हर रोज, यार इतना मुश्किल काम है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो ये इनका जब ये बोलना शुरू होता तो वो फिर घर तक भी आता है, या एक होता है कि जैसे हम लोग अगर आप थक गए हैं शूट पे, बोल लिया मैंने, बोल लिया तो मैं घर से बिल्कुल चार घंटे ना, ये मैं मेरे ज़हन में ही था ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शो बहुत ज्यादा करते हैं, बोलते हैं तो आप कम बोलेंगे बेचारे यार, ये सच बोल रहे भाई। क्या मेरी इतनी सारी दोस्त नहीं है, मॉर्निंग शो के बाद घर आ जाती हूँ, इतना सोशलाइज नहीं करती, नहीं करती, तो फिर किससे बातें करूं? हाँ ये तो है, आपसे ही करूंगी ना बातें, ये देखो ये नहीं बोलूंगी कल से सही है। मनीष तुम ये तुमसे ये बोल दो कि कल से बाथरूम का दरवाजा लॉक करके बैठोगे, बस ये बोल दो, बस ये काफी है, नहीं बोलूंगी। अच्छा खैर एनीवे, मुझे ये बताइए कि मॉर्निंग शो में इतना हर रोज का टॉपिक जो है वो कोई टीम ही सिर्फ बनाती है, यू मेक द टॉपिक? नहीं क्योंकि मेरा फोकस मॉर्निंग शो ही है और कुछ सोचती ही नहीं हूँ, या घर के बारे में कुछ सोचती हूँ या मॉर्निंग शो के बारे में, तो फिर साथ मिलके बनाते हैं। अक्सर टीम भी आइडियाज देती है लेकिन ज्यादातर आइडियाज मेरे ही होते हैं। ठीक है अच्छा, तो वो क्योंकि हर रोज एक नई चीज सोचना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा मुझे बताइए घर में पैसे खर्चने के मामले में कौन लापरवाह है, कौन गाइड करता है कि अब हमने यहाँ नहीं खर्चने, यहाँ खर्चने, ये करना ये नहीं करना, ज्यादा कौन? अच्छा हम दोनों लापरवाह नहीं है वैसे पैसे खर्च करने के। अच्छा मेरा कल ही बिल आया। अच्छा खासा बिल आ गया मेरा, मैंने घर में सारी लाइटें बंद करना शुरू कर दी, किचन में बेचारी हमारी मेड कुक जो है वो खाना बना रही थी, मैंने वो लाइट बंद की, मैंने जब दिन की रोशनी आ रही है तो जरूरी लाइट खोलना। अच्छा मैंने बच्चों के कमरे में गया तो एसी चल रहा था, मैंने रात लेट सोते हो फिर लेट उठते हो, हमें थक एसी बंद। अच्छा मैं गई, मेरी बेटी सब परेशान, मेरी बेटी ऐसा मुंह बनाए हुए बैठी है, मैंने सारा एसी बंद, कहती डैडी ने कहा एसी नहीं खोलना जब तक सो नहीं। अच्छा ये तो मैंने कल बड़ा भ्रम से ना सबको मैंने शो चला था, तो जब नया नया बिल आता है आपको वैसे दो तीन दिन एक होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है आपका। हाँ रात को मेरा दोस्त आया लेट नाइट, हम बाहर वॉक कर रहे थे, तो कहता है यार वो तरबूज खाने में मुड़ रहा, घर तरबूज पड़े तेरे, पता नहीं अजीब सी क्रेविंग हो रही तरबूज की, मैं चल खाते हैं आ जाए बड़ी बड़ा हुआ। मैं तरबूज कटवा के रात को 12-1 बजे तरबूज खाया, उससे मुलाकात की, लाइट बंद की, फैन बंद किया, हम चले गए, एसी बंद ही नहीं किया हमने, मैंने ताने दिए क्योंकि ये सबको ताने देता है, मैंने बताओ शर्म नहीं आती, आपने इतना बिल पे किया सारी रात एसी खुला रहा एक कमरे में जिसमें कोई नहीं था, दुख हुआ यार मेरे तो, बाकी मैंने बंद करना भूल गया, दो दिन की बचत है वो सारी निकल गई, सारी निकल गई, मैं बड़ा भरम से मैं आया था बच्चों पे मुलाजमीन पे सब पे भरम लगा है, और पूरी रात एसी चलता रहा है और दरवाजा भी खुला रहा, ये भी कमरा ठंडा हो जाए, अल्लाह हू अकबर, मेरा अलग सही है। अच्छा ये कॉमेडी जो आप लोग करते थे एक नादानिया, इतना जबरदस्त है कि उसको अभी भी जब हम देखते हैं तो वी एंजॉय दैट अलॉट, तो कॉमेडी की भी नेचुरल कोई इन योर ब्रदर यू एज वेल कोई नेचुरल स्ट्रीक है कॉमेडी की, इतनी अच्छी टाइमिंग भी फिल्मों में देखा मैंने कि टाइमिंग बहुत कमाल है, इवन आपकी भी टाइमिंग बहुत मजे की, इनके साथ अच्छी होगी, पहले मेरी तो कोई ऐसी, ये क्या है कोई नेचुरली नादानिया, आप यकीन करें इससे पहले मैंने कॉमेडी कोई ड्रामा किया ही नहीं था, ना एक्टिंग की थी ना डायरेक्शन दी थी, तो पहली बार ये ऐसा हुआ था, मैं कहा चलो यार एक मैं बड़े दिनों के निदान एक्टिंग नहीं की, मैंने एक्टिंग नहीं की, मैं डायरेक्शन में आ गया था, तो मैं कहा चलो कैसा प्ले करते हैं, अपना ही घर हो, मैं हूँ निदा हो, दानिश हो, अपने घर में शूट हो, चार पैसे बच जाएंगे और टीवी पे आने की हड़क पूरी हो जाएगी, तो बड़ा अरसा हो गया नहीं किया, करते हैं, तो वो शुरू वहाँ से हुआ था ये। लेकिन आप यकीन करो एक 100 एपिसोड हुए, उन 100 एपिसोड में शायद हमारे 50-60 तो फटे हुए होंगे, कभी निदा मेरे दानिश के, निदा के, निदा के दानिश के, मेरे यहाँ से। अच्छा मेरे दानिश के कब हुए? एक बार यही वो आदमी था जिसके सबसे बजा। अरे भाई बनती थी हमारी आपस में, बनती नहीं, मेकअप कराने गई, बाकी हीरोइंस को भी टाइम लगता है भाई, मैं भी उसमें एक ही लड़की थी, मैं लड़की ऑफ कोर्स तो भाई उसमें लड़ाई की, इतना देर लगा दी पार्लर में, इतना में, और उसके बाद से ज्यादा हम कर ही नहीं सके, उसके बाद उसकी वजह ये मेकअप थी, नहीं बहुत सारी वजुहत थी, लेकिन ये कि लेकिन वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था वो, उसकी एक और वजह भी थी एसन जो साथ, ये प्रोजेक्ट लंबा चल नहीं पाया, जो मैंने बाद में सोचा क्योंकि हम तीनों की अलग अलग पहचान है, निदा की अपनी पहचान है, मेरी अपनी पहचान है, दानिश की अपनी पहचान है, और हम तीनों फॉर ग्रांटेड लेते थे एक दूसरे को, मैं डायरेक्टर हूँ मैं ये कर रहा हूँ तुम्हें करना है, तो वो फैमिली भी थी ना आपस में, वो फिर वो चीज मुझे लगा कि वो हम तीनों साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि या तो ये होता ना कि भाई मेरी वजह से निदा है दानिश है, या दानिश निदा की वजह से मैं हूँ,
तो शायद वो शायद 100-200 हजार 2000 चल जाता। हाँ, चल जाता वो इतना सुपर। लेकिन हाँ, अभी भी देखते तो मजा आता है हमें यार। 100 एपिसोड किए उसके। हाँ, फिल्म का कैसे ख्याल आया ज़हन में कि मैं यार फिल्म बनाता हूँ, ये कैसे आया? ये बेगम ने पुश किया या दोस्त थे कुछ जिन्होंने पुश किया या खुद ज़हन में आया कि फिल्म बनानी चाहिए? फिल्म जो ड्रामा फिल्म का तो क्रेज करिश्मा अलग ही है ना, उसका तो आपको क्रेज होता ही है। देयर आर सो मेनी टेलीविजन के इतने डायरेक्टर्स हैं, सब तो नहीं सोच रहे कि ये करेंगे। और आपकी भी फिल्में भी दोनों तीनों जो माशाल्लाह वो सुपरहिट फिल्में हैं, इसका ख्याल कैसे आया? ख्याल तो जब डायरेक्शन में आया तभी आ गया था कि बस फिल्म बनानी है। वो आप यही सोच के आते हैं ना इस फील्ड में कि यार मैं फिल्म बनानी है, तो वो फिल्म का शौक जब डायरेक्शन में कूदा था इसलिए कूदा था फिल्म करनी है। और टीवी नहीं करते अभी? टीवी का मैंने तो थोड़ा बोला, टीवी की डायरेक्शन टीवी एक्टिंग करते हैं। नहीं, डायरेक्शन मैं पीछे पड़ी हुई हूं। मैंने कहा इतना, जैसे अभी ड्रामा आया था ना दानिश का ड्रामा चुपके चुपके, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने आसर को बोला प्लीज आप करो ना डायरेक्शन, क्यों छोड़ दी टीवी की डायरेक्शन? वो एक अलग कनेक्शन है लोगों की, बिल्कुल अलग कनेक्शन चाहिए। अपना टैलेंट भी आप टेलीविजन पे एक अलग तरीके से दिखाना बड़ा जरूरी है, करनी चाहिए। अच्छा, मॉर्निंग शो में जब क्रिटिसिज्म मिलता नहीं था तो कैसे हैंडल करते? वो मैंने देखा लोग कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ यही करने बैठे होते हैं कि किसी को ट्रोल कर देंगे, और किसी के वो शो नहीं भी देखा होता तो फिर भी बातें कर रहे होते हैं। बहुत दफा ये भी होता है इस तरह भी, तो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो हैविंग अ फैमिली एंड देन ये सारा कुछ फिर ज़हन पे एकदम आ गया कि यार ये क्या मसला हो गया। नहीं, लेकिन यासिर बहुत सपोर्टिव है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज होती है जिसमें मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो यासिर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उस मामले में बहुत, उस मामले में बहुत अच्छा है यासिर। बस एक ही मामले में, यानी उस और किस मामले? अच्छा, बुरा किस मामले में ये भी बता दें, एक बुराई बता दें। अब क्या उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनने में? क्या याद नहीं कुछ? काश मैं भी ये बोल सकता तुम्हारे बारे में। सब बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तरस आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर में सबसे ज्यादा अगर आपको कि आपको सुकून करना है और रेस्ट करना है और सोना, और इनका मूड हो रहा है कि नहीं भाई बाहर जाना है और खाना खाना नहीं कुछ करना है, तो ये बात does he listen to you या she listens to you? ये तो छोड़ दे, ये आप घर की बात कर रहे हैं। हम पूरा प्लान बना के वेकेशन पे जाते हैं, ये करेंगे वहां करेंगे, एक बंदर चल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा होटल से। होटल का रूम बड़ा सकता हूँ। अरे भाई, मुझे मजा आता है होटल के रूम की फील है उसकी। अरे रिलैक्स होते ना भाई। हम फर्स्ट टाइम जब गए ना यूरोप शादी के बाद, बच्चे छोटे थे, उस छोटे छोटे ट्रिप तो हो चुके थे हमारे, ये सिंगापुर इस तरह की जो होते हैं, ये जरा एक बड़ा यूरोप का ट्रिप था। ठीक है, तो प्लान सारा निदा बनाती है। ठीक है, तो निदा ने कुछ 5-6 कंट्रीज रखी और हम जाते बैग रखते सामान खोलते, कल आज हम वहाँ जाएंगे, सामान पैक किया वहाँ चले गए। मुझे अच्छा, मैं भी साथ चल नया नया था। मैं चलो सही करते करते बिल्कुल 10वें 12वें दिन में मुझे ख्याल नहीं था कि हम मर जाएंगे या क्या हो जाएगा। तुमने तो ऐसा प्लान बनाया है, अभी हम वहाँ जगह को एंजॉय भी नहीं कर पाते, आते हैं बैग खोलते हैं फिर सामान लपेटो आगे भागे जाना है आगे। मैं कहा तुम क्या बनाया ट्रिप यार, ये एंजॉय तो करो कम से कम। तो बंदा आता है बाहर और होटल में रुका हुआ है तो आराम से उठे। चलो वो तो हो गया ना, वो तो नादानियां थी ना हमारी, लेकिन अब 2 बजे तक घसीट के एक आदमी को निकालना पड़ा खुदा के लिए, खुदा के लिए। अरे भाई, और अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बेस्ट बात ये है कि मेरे बच्चे भी इस मामले में मुझ पे ही गए। ओह माय गॉड, अकेली मैं, अकेली मैं खुदा के वास्ते। चलो अब निकलो, तैयार हो, टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाहर यूरोप और इन जगह पर टाइम भी जल्दी जल्दी खत्म होता है, 6 बजे बंद, 4 बजे बंद, 5 बजे, और हम जब उठते हैं आराम से। लेकिन होटल की फील बड़ी मजे की थी, उसको एंजॉय करना चाहिए, वो है जरूरी है। अगर वाकई अगर निदा ना हो हम जाएं ट्रिप पे, तो हमसे होटल में लेके वापस आ जाए, बच्चे जाए होटल में लेटे सोए, स्विमिंग जिम थोड़ा बहुत किया, बस वही किया और सो सा के कितने 20 दिन बाद वापस आ गए। ये क्या देखा, होटल का रूम देखा, ये पेंटिंग अच्छी थी, वो शावर अच्छा था, ये चीज अच्छी थी, ये देख के ये भी अच्छा है। हाँ, रिलैक्स करके ना, ये भी अच्छा है। घसीट के जबरदस्ती करके करना पड़ता है, इस तरह ले जाना पड़ता है। क्या अगर तस्वीर क्या घसीट के, घसीट के तस्वीर क्या है, तो तस्वीरों का चक्कर भी है ना। हाँ, अच्छा, अब दूसरा अब मसला है जो मैंने अभी हम जा रहे हैं सेल्फी कहीं पे जाए तो नहीं, मेमोरी के लिए तस्वीर उतारना जरूरी है। अब क्या हो गया है मसला, अब जैसे मैंने अब जा रहे हैं इंशाल्लाह टर्की, तो मैं कहा मैं एक शर्त पे चलेंगे साथ कि सूटकेस 2 से 3 होंगे। अरे 8-10 सूटकेस, रोज के कपड़े नए, रोज शूज सैंडल नए, सैंडल बैग हर चीज में। मसला है वहां पर आपके, फिर चैलेंज किया जाता है आपकी मर्दानगी को एयरपोर्ट पे बैग उठाएं। तो मैं बैग उठा रहा करूंगी तरह, मैं ना पागल हो गया, 12-12 सूटकेस यार
छुट्टियां बनाने जा रहे हैं या वो एक वजन उठा के वेट ट्रेनिंग? हाँ ये भी है। अच्छा अब मुझे फिल्म के बारे में बताया, फिल्म का ख्याल आया ये जो खुद अब प्रोड्यूस किए अभी, ऑल इन ऑल इट्स जस्ट बोथ ऑफ यू? नहीं पहले भी खुद प्रोड्यूस किए? नहीं पहले तो साथ दोस्त भी थे ना आपके, दोस्त पार्टनर था लेकिन हम दोनों पार्टनर, हम दोनों प्रोड्यूसर थे। लेकिन अब इसमें सिर्फ आप दोनों ही, हम दोनों हैं। हां और बहुत हेल्पफुल भी हैं माशाल्लाह। अच्छा और ये तो एक अलग टॉपिक की, पहले आपने कॉमेडी फिल्में की हैं और कॉमेडी में ये है कि रिस्क फैक्टर ज़हनी तौर पे आपको लगता है कि हमारा मतलब सेफ है बिकॉज पीपल लव कॉमेडी, लोग इन्जॉय करते हैं जाके ईद पे इसका बड़ा, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ इट इसलिए मुझे पता है कि बड़ा ज़बरदस्त इसका टॉपिक है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये वाला जॉनरा जो है सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कह लें कुछ, तो ये जॉनरा पहले पाकिस्तान में कभी यूज नहीं हुआ ये इस तरह की स्टोरी, तो इसको ये भी मतलब किस तरह आइडिया ज़हन में, किस ये निदा का आइडिया है या आप? नहीं 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 यासिर का आइडिया मेरा ही है। और कितने अरसे से यासिर करना चाहता था लेकिन वो एक किक नहीं मिल रही थी। हाँ सर मैं कानों का बड़ा कच्चा हूँ इस मामले में ना, बहुत कच्चा हूँ, मेरे कान में आप 10 दफा की बात बोलेंगे ना तो वो आप मुझे वो बात लग रही है। तो ये मूवी मैंने लिखवाई थी रॉन्ग नंबर 2 थी, उससे पहले लिखवाई थी मैंने। अच्छा ये वाली जो अभी जो किया मैं चक्कर, तो मैं रेडी होकर बैठ गया हूँ शूट पर जाना है इसके, मुझे एक बंदे ने कहा यार ये अभी देखो अभी सिर्फ कॉमेडी का टाइम है, अभी तुम ये करोगे कोई नहीं आएगा, ये तुम अपने करोड़ों रुपए ज़ाया कर दोगे, अपने पैसे ज़ाया कर दोगे तुम। एक ने बोला, दो ने बोला, 10 ने बोला, 20 ने बोला, मैं कहा यार बात तो सही है यार। मैंने वो स्क्रिप्ट लपेट के रख दिया साइड में, मैंने नया स्क्रिप्ट लिखवाया रॉक नंबर 2। ओके तो वो फिर मैंने शुरू किया। अच्छा उसके बाद 2-3 मूवीज़ आई इंडियन मूवी, एक बधाई हो चक्कर, बधाई हो अंधाधुन, हाँ, और स्त्री, हाँ, स्त्री। तीनों के अलग टॉपिक से, तीनों अलग टॉपिक है लेकिन लाइटर मूड के साथ, लाइटर मूड, उसको ड्राई नहीं किया हुआ उन्होंने। भाई ये अच्छा आइडिया है, आप उसको बिल्कुल ड्राई ना करें, इसमें थोड़ा सा लाफ्टर थोड़ा सा ऐसा रखेंगे लाइटर मूड तो देखने वाला बोर ना हो। तो मैंने फिर स्क्रिप्ट उठाया, इसमें फिर हल्की सी लाइटर मूड डाला, कॉमेडी डाली, कुछ कैरेक्टर इस तरह के फिट इन किए कि वो फिल्म जो देख रहा होगा ना सिनेमा में वो सीरियस मूवी देख रहा है लेकिन वो बोर नहीं हो रहा होगा कहीं भी। तो ये तो अल्लाह मालिक है इसका, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह शो भी अपना ऐसा अपना शो, एक्टिंग भी अपनी, फिल्म भी अपनी, कमाल यार बहुत अच्छा किया ये वाली बात करते थे यार, बहुत अच्छा किया आपने जहन भी फुल चलता है दोनों का, ये तो मैं देख चुका हूँ माशाल्लाह विच इज ग्रेट। बच्चों में किसमें देखा है कि कोई बच्चों में किसी में ऐसा टैलेंट है जो कि लगता है कि इस फील्ड में आके तो कुछ करना चाहेगा? वैसे तो हमारे बेटे का इरादा है कि वो इस फील्ड में आए, बड़ा बेटा जो मेरा है okay, वो अच्छा रहता है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ठीक है, इस फील्ड वैसे नहीं लेकर आएंगे ठीक है, वो बाहर भेज रहे हैं फिल्म मेकिंग एक्टिंग जो भी अच्छा, होता है इस तरह से लेकर आएंगे इंशाल्लाह प्रॉपर तैयारी के साथ ठीक है। अब वो डायरेक्शन में आता है या एक्टिंग में आता है वो वक्त फैसला करेगा, भी है वो इंटरेस्ट भी लेता है चीजों में, शौक ना भी हो तो यार वो मसला ये है कि बाप माँ चाचा खालाएं नानी दादा दादा नाना नाना सब बीस लोग इस फील्ड में है, वो ना भी चाहे मुझे लगता है वो आएगा। छोटा वाला जो है बलाज, हाँ, वो क्या कह रहा था अभी मुझे भी ले चले इंटरव्यू में, अरे भाई क्या हो गया, वैसे ले आते बड़ा मजे का, बहुत मजे का होता है, उसको शौक है स्क्रीन पे आने का, कोई वहां होता कभी स्टाइल अंदर होता कभी इधर होता उधर होता, इतना मजे की चीज करने लगा है बलाज। अब जैसे कोई फैंस आते हैं ना हमारे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं तो उनसे कहते सुने मेरे साथ भी ले लें, बाकायदा उनको बोलता है कि सुने मेरे साथ आपने क्यों नहीं ली मेरे साथ इस बार इसको पहली ही थी ना इसकी दिखाया प्रॉपर समझदार होने के बाद सेंस आ ज्यादा, क्योंकि पिछले साल हमें कोरोना था वो नीचे थे हम ऊपर, ईद पता ही नहीं था क्या है, अब 6-6.5 साल का हो गया है माशाल्लाह, तो उसको मैं बताया ईद पता क्या होता है ईद में, तो मैंने बताया ईद पे ईदी मिलती है पैसे मिलते हैं ईदी खर्ची होती है, बोला अच्छा सब डॉलर्स मिलते हैं, मैंने डॉलर्स नहीं मिलते डॉलर्स से पहुंच गया वो आप अमेरिकन स्कूल में पढ़ने की वजह से, तो भाई को लगता है डॉलर्स मिलते हैं, मैंने पूछा डॉलर क्यों, बोला मुझे गेम मंगाना है ऑनलाइन, नहीं नहीं जैसे ईदी जमा की ना उसने नहीं मेरे पीछे पड़ा हुआ है शारा फैसल चलो शारा फैसल, कहा शारा फैसल क्यों चलो भाई, कहते हैं वो मुझे मनी एक्सचेंज के पास जा रहा है फिर Amazon से गेम मंगवाई जाए, फिर अच्छा मैंने रात को पूरा बताया ईदी होती है और ये बोला अच्छा, फिर मैं इसको एक मेरा पुराना वॉलेट पड़ा हुआ था वो मैंने दिया, मैं इस पे सारी ईदी जमा करना, अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा घर का जो एंट्रेंस है सोफा एक लंबा है तो आप कोने में बैठो ना अगर तो जो अंदर आएगा वो नजर आएगा आपको ठीक है, भाई सारा दिन यूं बैठा हुआ ना जहाँ मेरा भी दोस्त आता ईद मुबारक
अरे उसने इतनी ईदी जमा की है, खुदाई कसम मैंने जिंदगी भी सोची होगी। अब आगे चिपक गया ना, ईद मुबारक, अब ईद मुबारक चलो बता दिया मैंने कि ईद मुबारक बच्चे करते हैं लोगों ईदी मिलती है उनको। अब मैं जब नीचे देखूं सोफे कोने बैठा भाई हूं, यूं बैठा हुआ, कौन आ रहा है अंदर? सही है, उसने भाई सही ईद बनाई है, बिजनेस मैन है। उसने कहा ईदी जो है ना ये होती है, इस तरह मनाई जाती है। जबरदस्त, कहता मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन था जब ईद का, ऑब्वियसली ईदी चेक की ना उसने। मैं कहता जिंदगी 6 साल तो हुए तुझे, सारी जिंदगी का बेस्ट दिन था, बेस्ट डे ऑफ लाइफ, बेस्ट। ये बच्चे बोलते बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ ये बच्चों पे, है ना। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, और इतनी गपशप जबरदस्त है और इतना कुछ है पूछने को, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना, ब्रेक से वापस आके तो गेम खेलेंगे यासिर और निदा के साथ। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे बहुत प्यारे बहुत फेवरेट यासिर एंड निदा, और बड़ा मजा आ रहा है इनसे बातचीत करने का। और अब टाइम हुआ है जोर का झटका की, और मुझे ये पता चला कि आज निदा जो है वो पहले ही घर से झटका खा के आई है। क्या हुआ था भाई? मैं पंखा खोल रही थी, लाइट खोल रही थी, पता नहीं क्या हुआ मुझे एकदम करंट लगा। मैं उसी से डर गई। आप घबराए? मैं क्या हुआ नहीं, पहले तो घबराया ना, क्या हुआ बोलो? करंट लगा मुझे इससे। तो कह रहे अच्छा अच्छा। नहीं नहीं उसको नहीं बोला, उसको नहीं बोला। हां आधे घंटे बाद भूल गई तो मैं जाने लगी, मैंने लाइट बंद कर देना, तो मैं लाइट बंद फिर लगा करंट लगा फिर वो हां तो मुझे वो भूल गई थी मुझे हां फिर बोला यासिर ने अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे नहीं कुछ नहीं। अब जाके चेक करवाना कि वो तार किसी ने खुद तो नहीं खराब कर दी। मुझे इससे इतना डर लग रहा है, यही करंट बहुत लगता है मुझे इससे इतना डर लग रहा है कि पता नहीं। मुझे तो करंट इतना, सर्दियों में तो मैं दरवाजे गाड़ी का ही मन करता हूँ। वो एक अजीब करंट होता है यार। मैं गाड़ी सीरियस सर्दियों में गाड़ी हाथ से बंद नहीं करता, अंदर से खोल के कोनी से करंट ना लगे। अच्छा तो जनाब जोर का झटका जो हमारा सेगमेंट उसको शुरू करते हैं। यार ये वाकई लगता है, ये डमी फेक है, चेक करें? करो करो। मैं कुछ भी होगा वाकई लग रहा है। नहीं यार हाँ यार पता नहीं शायद मैंने अंगूठियां भी बहुत किसका बटन आपका। अच्छा ये देखें आपको लगाया उन्होंने, और वो देखो बेगम नहीं, नहीं मैंने अंगूठियां भी पहनी हुई है। बेगम बिचारी ने अभी तक पकड़ा ही नहीं बटन, तो वो तो दबा के देखें। हां इसमें कम लग रहा है, जिसमें अंगूठियां पहनी उसमें ज्यादा कड़क लग रहा है। नहीं अंगूठे इसमें ये करो, ये वाला थोड़ा हाथ प्यारा लग रहा है तुम्हारा, ये अंगूठियों वाला इसका क्लोज अप बनना चाहिए हाथ। आप करो सही तरह पकड़े भाई, सही से पकड़ो। मुझे लगता है मुझे वाकई बहुत लगता है करंट। मुझे भी कहना अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। बाद में जाइए नील पड़ा यार ये तुमने क्या किया। काट लो काट, घर में काट लेती है गोटी भाग देती है। ये लग रहा है दादा ये बता रहे सब कुछ बता रहे हैं। सही सही है। अच्छा ठीक है आगे बढ़ जाओ। पहला सवाल यासिर एज निदा, यासिर एज निदा एंड निदा एज यासिर, तो यासिर पहले यासिर से सवाल, यासिर से सवाल करो ठीक है। मैं इस बात पे यासिर को कभी माफ नहीं करूं, यानी कौन सी ऐसी बात है इस पे निदा आपको माफ नहीं करेगी कभी? दूसरी शादी कर ली तो उसको माफ नहीं करेगी ये, वो तो जाहिर है। अभी उसकी बात पे करंट अभी क्या, आमिर जाकिर साहब के शो में गए ना रमजान में, सेकंड डे का शो था हमारा। अब आमिर साहब इंट्रो दे रहे हैं, मैं और निदा साथ खड़े हुए हैं, तो अभी इंट्रो दे रहे हैं यासिर नवाज ये तो यूं हम जिसको बुला रहे हैं हमारे एक्टर डायरेक्टर जो होता है। मैं भी मूड बना के जा रहा हूँ, बड़े अच्छे मूड में आएंगे। निदा का सीरियस जवाब है, दूसरी शादी के बारे में कोई बात मत करना वहाँ पर। मैं कहूँ जाना क्या हो गया, अब मुझे मजाक ये पसंद नहीं है मुझे। यासिर नवाज पता चले दोनों मिलके दूसरी शादी शुरू हो जाए, मैं अकेली रह जाऊं, तो फिर इसलिए मैंने कहा हवा नहीं करना। पहले ही टाइट कर दिया उन्होंने भाई, ऐसे नहीं भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, हम गरजने वाले हैं। अच्छा जी निदा एज यासिर, मुझे जब बहुत सख्त भूख लगे, जब मुझे बहुत सख्त भूख लगे, जब यासिर को बहुत सख्त भूख लगती तो क्या करते यासिर? क्या करते हैं हाँ। यासिर चीखते चिल्लाते हैं, उनका बस नहीं चलता, गला घोटते हैं,
इतना सही कह रही हूँ मैं, करंट ना लगाना यार ये इतना सही भी नहीं बताना है। यासिर जो है और जैसे यासिर है वैसे इनके बेटे भी दोनों ऐसे हैं, भूख नहीं बर्दाश्त उनका, बस नहीं चलता दुनिया को आग लगा दे, खाना लाओ फौरन। ओके ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे यानी निदा को इस एक्ट्रेस से थोड़ी सी जेलसी है। जेलसी है यानी आपके साथ अगर कुछ पकड़ रही हो, काम कर रही हो, किसी कोई तो होगी ऐसी, कोई एक यार ऐसे बीवी पता कह ही देता ना यार। नहीं हो गया, बताना नहीं। नहीं 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 ऐसा कोई नहीं है। अगर बता दी तो मेरे मॉर्निंग शो पे नहीं आएगी, जो भी नहीं आएगी कोई भी नहीं आएगा। तो एक आर्टिस्ट ना आ जाए तो क्या हो गया यार फिर, सो व्हाट। चलो नहीं बताना तो ना बच्चे, होती है जो होती है जेलसी, लेकिन जिससे जेलसी हो रही होती है मैं उससे दोस्ती कर लेती हूँ। ये सही है, ये भी मैंने उसको बताया है कि दोस्ती कर लो पगली, ताकि घर आना जाना शुरू हो जाए। ये भी एक टैक्टिक, ये भी एक टैक्टिक। चल नेक्स्ट सवाल प्लीज, टॉपिक चेंज करो यार, टॉपिक चेंज, पता नहीं लंबा के पड़ जाएगी, पता नहीं मैं अकेला ही खुद ही हीरो आ रहा हूँ, खुद ही हीरोइन आ रहा हूँ। अरे ऐसा ना हो, कोई काम ही ना करे मेरे साथ, अकेले शो में इंटरव्यू दे, विलन भी खुद देख ले, सब सही है। नहीं जी, अच्छा जी, यासिर इनका इंटरव्यू करने में बहुत मुश्किल हुई एक फ्लां सर्टन, ये यासिर को बताना कि निदा को इसका इंटरव्यू करने में बहुत मुश्किल हुई। ऑप्शन देंगे आप या खुद ही बताएं? नहीं खुद ही बताऊंगा, छोड़ दूं। नहीं, अरे भाई आपने बताया ना, ना रोज करती ना। अच्छा एक सवाल मैं सोचा था, नहीं उसका नाम लूं, ले लूं नाम, वो मुझे क्या पता किसका, अलीज़ शाह। ओ अच्छा, इंटरव्यू करना मुश्किल हुई मैंने किया भाई, मैं पावर रख दूं नहीं भाई। अच्छा अगला सवाल यार, ये सवाल है, यासिर को किस एक्टर से काम करवाने में या करने में मुश्किल होती है या हुई? अच्छा अगर मैं एज एन एक्टर, अगर मैं यासिर हूँ और एज एन एक्टर हूँ, तो मुझे जैसे अलीजे के साथ थोड़ी सी काम करने में मुश्किल हुई थी, अलीजे शाह के साथ थोड़ी सी इतनी केमिस्ट्री बिल्ट नहीं हुई थी, बाकी सबके साथ तो बहुत यासिर की अच्छी बिल्ट हो जाती है, लेकिन एज एन डायरेक्टर जो है यासिर को आज तक नहीं किसी ने तंग किया, सच कभी मुझे यासिर ने नहीं बताया कि एज एन डायरेक्टर हो गया था एक्टिंग में, क्यों रीजन? बहुत सारी वजूहत थी लेकिन मैं, मुझे नहीं बताया, मैं बड़ा पछताया कि मैंने क्यों काम किया, इस हद तक चला गया था मैं। मुझे कुछ मसला ये ना कि आप जब ड्रामा करते हैं ना तो आप ड्रामे में आप कैरेक्टर में हैं, ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर अलग चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें होनी चाहिए। मैं उसमें बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मुझे बाद में बोला गया कि इसीलिए ड्रामा अच्छा जा रहा है इसके हम कुछ एपिसोड बढ़ा देते हैं, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं कहा भाई अगर कम कर सकते तो बात कर लो, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं कम पैसों के पैसे आने के बावजूद भी आपने कहा नहीं भाई कम कर दो, भाई मैं कहता हूँ मैं पैसे दे दूंगा। मैंने बहुत कम किए हैं, तो जब करता हूँ तो स्क्रिप्ट चेक करता हूँ, कैरेक्टर देखता हूँ, बड़ा छानबीन करता हूँ, लेकिन ये है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ता है कि जिसके साथ आप सेट पे अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप नीलम पे रोज जा रहे हैं, नीलम के साथ काम किया बिल्कुल कितना कंफर्टेबल, हां क्या वो एक्टिंग में हो चाहे डायरेक्शन में, और दिल मोम का दिया इज वन ऑफ माय फेवरेट प्ले, दिल मोम का दिया था, बिक्रम मोती मैंने किया था उसका, फिर रॉन्ग नंबर 2 और अभी ये फिल्म चक्कर, ये फिल्म चक्कर। इंसान का अच्छा होना भी जरूरी है, बिल्कुल सही, कोई देर पाए देर तक चलता है, आर्टिस्ट के साथ इंसान भी अच्छा होना जरूरी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब दो सवाल यहाँ पूछने मेरे, दो हो गए, मैंने बड़ा ज्यादा सही सवाल जवाब दे दिया। हम दोनों में निदा आपसे सवाल, हम दोनों में सबसे ज्यादा शाह खर्च कौन है? फजूल खर्च यासिर है, शाह खर्च मैं हूँ। इनको शो में बुला लूं तो रेटिंग नहीं आती, आप बताएं यानी कौन सा ऐसा शो, किसी को बुलाना, कौन से शो में? मृदा का शो मुझे रेटिंग क्या बताओगे, क्या बताऊं मैं, घर में कभी आते ही वो बात हुई होगी ना कि ये वाला शो, मुझे बताती हमेशा उन शो के बारे में जिसकी रेटिंग आती है, आज तक नहीं बताया कि रेटिंग नहीं आई, हमेशा उसके बारे में बताया माशाल्लाह शुक्र खुदा का, क्या हुआ
2.8 रेटिंग आई है, हाईएस्ट रेटिंग में। 2.8 नहीं होती है, 2.8। हां 2.8। और शुरू यहीं से करती है, या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं क्या हुआ, मैं पूछता हूं क्या हुआ, तो बताती है फला की 3 रेटिंग आ गई, फला की। कभी नहीं बताया गया यार शो तो नीचे आ गया। बता दे कौन सा वाला शो बड़ा बोरिंग लगता है कि ये वाला इंटरव्यू यार बोरिंग नहीं होता। इंटरव्यूज की तो आती है रेटिंग, कोई हम इंफॉर्मेटिव पढ़ा लिखा कोई ऐसा बड़ा अच्छा शो करते ना जेन्युइनली, कि जो बाकायदा तारीफ करेंगे सब पढ़े लिखे लोग के यार बहुत अच्छा शो किया, मुझे खुद करके भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने भी कुछ लर्न किया, उसकी नहीं आती रेटिंग। अच्छा हमारे कुछ एक्टर्स भी हैं जो वैसे टीवी पे स्क्रीन पे कॉमेडी कर रहे होते हैं लेकिन सब आके बैठे जैसे कभी निदा दो तीन नाम लिए, मैं लेना नहीं चाह रहा नाम वो, लेकिन एक नाम लिए बोला वैसे कॉमेडी कर रहे हैं, ड्रामे भी कॉमेडी कर रहे हैं, सीरियस हो जाते हैं शो में आके, वो आके फिलोसोफर बन जाते हैं। ये कैसे कर रहे हैं यार, लोगों को एंटरटेनमेंट देखनी ना, हंसी मजाक मस्ती यही तो जिंदगी है। एंटरटेनमेंट ना भी देखें आप, जैसे वैसे ही रहना यार। ठीक है सर, दादा बताए हम दोनों में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन और सबसे ज्यादा बोरिंग कौन है? ये क्या बात की। अच्छा At times यासिर इतना boring हो जाता है, नहीं और at times इतना romantic हो जाता है कि मुझे यकीन ही नहीं आता। Extremist है ये, extremist है। आज हाथ पकड़ लिया ना मेरा, तो मैं खुद घबरा गई कि मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। मैं थोड़ी देर भूल गया था मेरी साथ जो गेस्ट होने जा रहा है, मैं सोचा कोई और है आज। ये एक दफा हम लोग खाली दुबई गए खास तौर पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, बच्चे ये वो, और न्यू ईयर उसके सामने रुके हम क्या बुर्ज खलीफा के सामने, कि भाई उस वहां पे लेजर लाइट्स होंगी ये वो देखेंगे। एक बंदे की खराटे की आवाज आ रही, वहीं लेटे हुए सो गया। हम बच्चे और मैं विश करें नया साल मुबारक है, वो एक बंदे की खराटे की आवाज आई और मैं कह रही हूँ कि नींद तो मुझे हर जगह, और मैंने वीडियो बनाई। अभी आप दोनों बातें करें आपस में, मुझे बोले यहाँ सो जाओ, सीरियसली मैं बंदा सो जाऊंगा मैं। जिसके लिए सेलिब्रेशन के लिए हम गए हैं उसी वक्त खराटे। ठीक है, मैं अक्सर ये वाली बातें निदा से छुपाता हूँ। कौन सी वाली? एक्चुअली जैसे अक्सर कभी कभार यासिर ने मुझे झूठ बोल दिया है कि दोस्तों के साथ जा रहे होते हो तो फोन नहीं उठाते ना, होता है अक्सर बीवी को होता है, हमें टाइम दो, दोस्तों को ही टाइम देते रहते हो तो फोन नहीं उठा रहे होते कभी कभार। लेकिन कसम खुदा जब फोन नहीं उठाता ना, किसी ना किसी के मोबाइल कॉल आती है की। तो दोस्त के, एक दिन मैं शुक्र है खुदा का मैं हैदराबाद गया दोस्तों के साथ फिश खाने, चार पांच दो, लेकिन निदा को बता के गया कि निदा मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो उसमें तीन चार लड़के थे और राइना भी थी शायद ना, दो तीन लड़कियां भी थी, बता के गया मैं हैदराबाद जा रहा हूँ फिश खाने। ठीक है, अच्छा मैं भी फिश खा रहा हूँ, गप्पे लगा रहा हूँ, मैसेज आया व्हाट्सएप आया, तस्वीर आई मेरी, और तस्वीर में क्या मैं बैठा हूँ, सारे दोस्त बैठे हुए उसी जगह की। ये किसे भेजी? मैं किसे भेजी तुम्हें? और देख लो मेरे सारे जासूस पड़े हैं, मेरी तस्वीर भेजी थी मुझे हैदराबाद पे। ये जो सस्पेंस फिल्म है ना, चक्कर के इन्होंने इन्हीं का आइडिया लग रहा है मुझे कि क्या चक्कर। मैं पूछा बताओ किसने भेजी, कौन बैठा? बोला वो सवेरा का क्लास फेलो था, उसने वो साथ सामने बैठा हुआ है और उसने तस्वीर भेजी। मैं बहुत ही घटिया इंसान है, मैं कहा यार तो शुक्र है या अल्लाह इतने बचा लिया, बता कर आया होता बता के भी नॉर्मल बैठे हुए यहीं पे। ओ कभी कभी यूट्यूब पे जो खबरें आती हैं उनकी कभी हेड टाइटल्स पढ़े हैं, कितने अजीब अजीब होते हैं यार आजकल, अजीब होती है, फेक होती हैं भाई, अरे कितनी फेक न्यूज़। 90 बल्कि मैं कहूंगा जो भी ये टाइटल जाके टाइटल देख के यूट्यूब खोलता है ना पेज, वो गधा है उसका 90% झूठ है, सब झूठ होता है, वो सिर्फ लाने के लिए लोगों को। अच्छा वो भाई अब तो मैं व्यूज ज्यादा दिखाने के लिए फॉलोअर्स बढ़े हैं, अजीब सी हेडिंग होती है बस। हाँ, और अंदर होता है कि नहीं इसकी तर्दीद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तर्दीद भी नहीं होता, वो चार लाइनों में एक लाइन बोल दी होगी उसके ऊपर हेडलाइन। वो वाली जो खबर थी कि निदा यासिर का इंतकाल हो गया, वो न्यूज़ सबसे पहले मैंने ही खोल के देखा कि मैं शायद सही हो, इस पे चुटकियां बनती है बहुत सारी बहुत सारी दे दी मैंने चुटकियां। वो हम लोग रोज मजाक उड़ाते हैं घर में भी कि YouTube वाले जो लिसनर्स हैं ना या उनके व्यूअर्स जो हैं तो वो इतनी झूठी झूठी खबरें रोज, तो आज आज सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर अजीब सी आई हुई थी, कोई स्कैंडल टाइप में, तो मेरी बेगम ले आई YouTube के, ये क्या है? मैंने कहा भी रोज मुझे YouTube पर लेक्चर मिल रहे हैं, आज नहीं YouTube, आज नहीं लगा कि झूठा है, आज उसको लगा ये सच है, मैं सो रहा हूँ, सोते सोते दरवाजा खुला, मैंने कहा आज कोई जंगली अंदाज में दरवाजा खुला है, ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा अब झूठा नहीं है YouTube, अब मेरी बारी आई है। नहीं मेरा कल दोस्त बड़ा सीरियस मूड ऑफ उसका, अब एक डिप्रेशन में था, क्या हो गया खरीद अब खिलखिला नहीं रहे यार, आज मैं न्यूज देखी है कि बोला वैक्सीन लगाने वाले 2 साल में मर जाएंगे,
बोला यूट्यूब पे देखिए भाई, मैंने खुद देखी, मगर क्या हो गया यार, दो साल मर जाए, वो यूट्यूब पे देख ली, दो साल मर जाएंगे। सच्चों की खबर है, ये भी बड़ा मस्त चल रहा है ना ये। ठीक है, अगर कोई मेरी नींद खराब करे तो मैं क्या करता हूँ निदा? थोड़ी देर सोने नहीं देती, उसके बाद नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ी देर बाद सो जाती हूं, कोई नहीं होता है, होता है कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए उठता है और क्या है, मैं सो रहा हूँ, उसके बाद फिर उठ के बैठ जाता है। मैं सिर्फ ताना मारता हूँ उस वक्त कि सो रहा था। नहीं नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मैं होंगे दरवाजा खुलेगा, बंद होगा, सब कुछ होगा, अब मैं उठता हूँ तो आँख खुल गई, मगर अगर इस जगह मैं होता और तुमने इसका दरवाजा बंद किया है, मैं बताऊँ तुम तो पागल हो जाती। अरे नहीं, क्या होता है, तो हम कर ले तो मसले, और ये और तुम कर लो सही है। अरे भाई मेरी भी सुनो, सब कुछ सुना सुना लग रहा है। मुझे सुबह जाना आता है हाँ शो करने, अब एक बंदा देर से घर आया है, ठप ठप चप्पल की आवाज, दरवाजे की आवाज, झूठ आ कुछ बात और तो और मतलब हेडफोन निकाल के ना मोबाइल पे बैठे हुए हैं, मैंने कहा मोबाइल की लाइट हल्की कर दो, जरा आवाज कम कर दो। नहीं भाई अच्छा है ऐसे रहने दो, आप ज्यादा उठाते हो मुझे। नहीं मैं नहीं कर रही, इसका बस चले 9 बजे सब सो जाए तो सब सो जाए, पूरे पूरा कॉलोनी बड़े पड़ोसी सब सो जाए, जब मैं सो रही हूं तो मैं सो नहीं सकता कोई, लेकिन मैं सीरियस ये। और अगर इनको कोई उठा दे गलत तो इनका क्या रिएक्शन होता है? उठा दे गलत टाइमिंग पे और नींद पूरी ना हो, उठा दे क्या रिएक्शन? मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, ये पता लग गया वो क्या क्या होता क्या है, चीख पुकार होती है, सोने भी नहीं देते, तरीका होता है। हाँ ये तो मैं करती हूँ, देखे ना चलता भी कुछ, चप्पल इतनी जोर की आवाज क्यों आती? नहीं कोई नहीं, ये तो सब लगता है, सीरियसली नहीं चलता, मैं पागल हूँ घर में, यूं करके चलूंगा, क्या क्यों होगा कोई। ठीक है, ससुराल में मेरी इस फला बंदे से नहीं बनती, नहीं बनती। हाँ ये मेरे साथ नहीं, ये नहीं, मेरे आपके बहन भाइयों में से किससे? नहीं कोई दूर के भी हो सकते हैं रिश्ता, इनकी नहीं मेरा इसका। अरे भाई मेरा ससुराल, इनका ससुराल, इनका किससे नहीं, इनका किससे नहीं बनती, इनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है, सबसे बनती है, इनकी किससे नहीं बनती ससुराल में, किससे बनती है ये सवाल पूछो, किससे बनती है? क्यों सिर्फ एक साले से बनती है बस। हाँ। और मेरी अम्मी से बनती थी वो अब नहीं रही, और मेरे भाई से बनती है, बाकी किसी से नहीं बनती। खत्म हो गया, वो मिर्चों वाला तो नहीं है खाने वाला, सुने मैं डाइट पर हूँ, कोई डाइटिंग वाला खाना रखिएगा, हम मिर्चों से भी ज्यादा कुछ और रखेंगे। अच्छा ठीक है, हम मौजूद हैं इस वक्त मेरे सर की किचन में, और इस सेगमेंट का नाम है सेल्फिश डिश। सही है, आज आपको बनाना है मैंगो डिजर्ट, आम का मौसम है, इंग्रेडिएंट्स सामने लिखा हुआ है जी, बिस्किट, क्रीम, मैंगो, मिल्क, कंडेंस वाला और सिर्फ, ये 5 चीजें हैं। अब आपकी 5 चीजें अगर तो इसमें निकल आई तो आपकी अपनी किस्मत है, फिर तो कोई राज बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो 5 चीजें ना निकली तो फिर आपको करना पड़ेगा मेरे साथ एक बार्टर, और बार्टर में आप मुझे राज बताएंगे, यानी कि हमारे लोगों को बताएंगे राज, और फिर आपको मिलेगा वो इंग्रेडिएंट्स। रेडी? सही है, ठीक है जी। पहली पर्ची कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा, पता होगा ना, चीटिंग की होगी ना, क्या निकला? इसका डिजर्ट तो नहीं बनेगा, कुछ और ही बन रहा है भाई, ये हो गया सॉल्ट जी निदा, मुझे तो मुझे बिल्कुल साफ याद आ गया, मुझे टोटकर ही ना दी, जी मुझे लगता है ये डाले ही नहीं है इन्होंने चीजें, अंडे, अंडे का क्या करूंगी मैं,
अंडे का फंडा, एक वाइट चीज़ी जो हम वैसे खा सकते हैं खोल के, बाकी कुछ भी खाने वाला नहीं। हाँ जी निकालें, तक एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसमें लेमन। यार लेमन का क्या करें, ये मुझे लग रहा है इन्होंने पर्ची में डाला है, ये दुश्मनी एंड में गोश्त निकलेगा, क्या आप कढ़ाई बनाएंगे इसे? ब्लैक पेपर, बात सुनो, ये मुझे नहीं लग रहा है ये बीमारी की सप्लाई नहीं है, कुछ बेईमानी है सब कुछ। यार एक आध तो निकल सकता है, ब्लैक पेपर कहां है, ब्लैक पेपर कहां है, कहां है, नहीं चीटिंग, ब्लैक पेपर तो है, इसकी जगह चिली फ्लेक्स रख सकते हैं। ठीक है जी, ये ले जी, इसकी जगह मैंगो ही दे देते, वैसे मैंगो ही देते ज्यादा अच्छा। केचप, यार केचप आज तो ऐसी चीजें निकल आई है, कहां है ये केचप है, ये ले जी, ये ले लास्ट आपकी लास्ट, हाय 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 हाय, चिली फ्लेक्स तो निकल चुके हैं, आप ब्लैक पेपर दे दे इसकी जगह पे, आपको ब्लैक, अरे ये बहुत ब्लैक पेपर पड़ा है, नजर नहीं आया, उल्टा हो गया, ये ले ये ले, ये चीजें अब आ गई हैं, अब ये सब कुछ मेरे पास है। ये कमाल हुआ है कि मैंगो भी मेरे पास है, ठीक है, कंडेंस मिल्क भी मेरे पास है, और बिस्किट कहाँ है, बिस्किट कहाँ है, बिस्किट नहीं, ये बिस्किट ये है, ये भी मेरे पास है, सभी है भाई, और क्रीमी जो जो हमारे पास नहीं था वो उनमें से एक चीज भी नहीं है हमारे पास, ये जो स्ट्रॉबेरी सॉस है वो भी मेरे पास है। अच्छा जी, अगर ये चीजें चाहिए तो पहले निदा शुरू करेगी, निदा बताएगी यासर का एक ऐसा राज जो हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे सबसे पहले बता दूं मैंगो चाहिए, सबसे पहले मैंगो आपको, मैंगो देंगे तो बताऊंगी राज। हाँ ठीक है, डन हो गया, मैंगो मैंगो आपका, पहले मैंगो दे दे, लेकिन पहले राज, पहले पहले राज, मतलब एक आदमी इतनी मेहनत से हमने बाथरूम की बात हो रही थी ना, शावर लगाया ढूंढ ढूंढ के जिसमें तेज पानी आए, एक आदमी बाल्टी से नहाता है, जस्ट इमेजिन, तो मतलब बहुत ही, पानी बचाता हूँ, पानी, हाँ पानी, पानी बचाता हूँ मैं, कि शैम्पू में लगा रहे हैं, बॉडी वॉश लगाने के बाद शावर खोल के खड़े हुए लोग, तो वो गलत होता है ना यार, तो मैं पानी बचाने के लिए बाल्टी बड़ा अच्छा कवर अप किया है, बड़ा अच्छा कवर अप किया, नहीं मैं तो नहीं किया यार, ये बहुत अच्छा रास्ता है, अजीब रास्ता, ये दे दे एक चीज वापस मुझे, हां ले ब्लैक पेपर, हां जी अच्छा, अब यासर आप मुझे मैंगो चाहिए, वो जाहिर सी बात है, आप निदा का ये आपके लिए भी मैंगो है, दूंगा चीजें मैंगो, अच्छा मैंगो है, हां मैंगो दे दो ना, हां क्या राज, पहले राज, राज मेरे, एक राज ये है कि मैं एक जगह एक शो में बता चुका हूं, इसलिए मैं डर नहीं रहा बता सकता हूं, निदा रात को सोते हुए खराटे लेती है, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, उन खराटों का लेवल क्या है, नॉर्मल हल्का है ये, एक मिनट नहीं हल्का है, दूसरी चीज तो मैं बताऊंगा मैं, सॉरी ऐसे नहीं हो सकता, ये राज ट्रू है जो तुम बोलोगे ना, यार यार दूसरा कुछ मिलेगा मुझे, खराटों का लेवल नहीं नहीं ये पहला ही राज है, खराटे लिखती है यार, कितने ऊंची ये, तो सेकंड चीज दो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है अगली चीज, एक दिन ऐसे ने मेरे साथ क्या ज्यादती की, अब थोड़ी बहुत लेती हूँ, थोड़ी आती होगी आवाज ना, रिकॉर्ड किया और पीछे डबिंग कर दी अपनी, और मैं यकीन नहीं करी अल्लाह, ये मुझे खराटे ले रही थी, क्या हो गया, और मैं कह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ शायद नाक बंद होगी या क्या, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतना मर्दाना खराटे कैसे आ, और फिर बाद में यासिर ने खुद उगल दिया कि मैंने ऊपर ओवरलैप की थी अपनी आवाज, अगले दिन गर्म पानी, रात को वो इलाज होता है ना खराटे का इलाज, स्टीम ले ले, गर्म पानी पी ले, नेक्स्ट राज लाएं जी, अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए क्रीम, मुझे कंडेंस, कंडेंस मिल्क चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए, लेकिन ये मिलेगा एक राज के बाद, अच्छा यासिर जो है इतनी तेज खाना खाता है, कैसे लगता है उसके पीछे कोई ट्रेन है, उसको किसी ने कहा, मतलब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, हमें शुरू करती हूं, टिश्यू पेपर खोलती हूं, नैपकिन रखती हूं, एक बंदा टिश्यू पेपर उठाता है हाथ साफ करने के, मैं कम खाता हूं असल में, जी नहीं इसको लगता है कि मैं तेज खाता हूं, खाना कम खाता हूं, अपने अब्बा से डांट खा चुका है इस ऊपर, इस बात के ऊपर मार खाई, डांट मार खाई है, इतनी क्यों खा रहे हो, अच्छा मैं कोशिश करता हूं लेकिन मैं अब स्लो खाऊंगा, तो मैं एक बाइट लेके, अच्छा मेरी अम्मी बहुत स्लो खाती थी, ठीक है, और मेरे पता नहीं किस पे आदत गई है, तो मैं खाता हूँ कुछ, लेकिन दूसरा नवाला मेरे हाथ में होता है पहले से ही, ठीक है अच्छा तेज तेज खाना, ठीक है जनाब, ये कंडेंस मिल्क आपका हुआ, और एक चीज वापस करें ना मुझे यार, हां ले ले मुझे क्या करना है, क्या करना है, आप ही खाते हैं बॉडी बिल्डर, सही है अच्छा जी आगे बढ़े, और कंडेंस मिल्क भी दे देना, नहीं एक मिनट आपको मैंगो ऐसे थोड़ी दे दो राज, हां दो ना मुझे कंडेंस मिल्क को, वापस ले रहा हूं, और कंडेंस मिल्क चाहिए, बिस्किट चाहिए, पहले क्या चाहिए, कंडेंस मिल्क और बिस्किट दे दो, पहले आपने राज कब बताया, बता दिया, आपने बताया नहीं, सेटिंग हो गई, राज खत्म, नहीं नहीं कोई सेटिंग नहीं, राज बताने नहीं है, मुझे राज बताओ, मैं अच्छा राज बता रहे हैं, हां यार घर भी जाना है, मसला ये राज तो बता दे, अभी तक एक बताया ना, हां एक ही बताया है, तो 100-150 मेरे पास, एक बता बता रहा हूं, मैं क्या 2-4 ही जा रहा हूं, आ गया राज भाई, एक मर्तबा निदा सो रही थी और मैं टीवी देख रहा था, इसने बोला आवाज कम करो, ठीक है आवाज कम करो, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, 15-18 भी ले आया, कम करो, और
कम किया। अच्छा हमारा पहले आपस की लड़ाई हो चुकी थी हमारी ना, मूड ऑफ था। यानी उस दिन मूड जरा ऑफ, मूड ऑफ था हम दोनों का, शाम में हो चुकी थी। मैं 10-12 बजे आया, मुझे शो देखना, मेरी पानी की स्टील की बॉटल है ना, वो उठी है निदा और वो स्टील की बॉटल उठा के टीवी मार दी स्क्रीन पे और टीवी तोड़ दिया यार। एक मतलब आप बताएं, रात टीवी तोड़ दिया, क्रैक ब्लू लाइनें आ रही है, मैंने बगैर ये क्या है। रात नहीं थी वो, सुबह की 4 बज रहे थे। एक इंसान सारे वक्त से उठा होता है, उस वक्त बाला छोटा था, मदर फीड पे था, कुछ टाइम मिलता है सोने के लिए, तो क्या करे इंसान जब सोता नहीं है तो यही होता है। यार ये क्या कमाल है, उसका रिएक्शन क्या था, मुझे रिएक्शन जानना। मैं सकते में था भाई, रिएक्शन क्या, मैं सकते में था। नहीं मैंने इतना टीवी, स्मार्ट टीवी पारे। उसके बाद यासिन ने फिर टीवी नहीं देखा। आवाज कम करो, टक बंद। मैं आवाज नहीं सुननी मुझे। अच्छा बेगमों को पता होता कि इस वक्त हमारी सुनी जाएगी। अब तो दे दो भाई, बहुत तगड़ा आराम था। इसमें 3-4 बनते हैं। हां ठीक है, नहीं वो बेगमों को मालूम होता है लेवल के, यहां पे हम कर सकते हैं, यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट आप क्या चाहिए? नेक्स्ट मुझे बिस्किट चाहिए। बिस्किट, बिस्किट चाहिए। हां ठीक है जी, अब रात बताए ना, बिस्किट चिली फ्लेक्स दे दो वापस रात। अच्छा किसी को नहीं यकीन आएगा ये कि मतलब यासिन को देख के लगता है एक रोब वाली पर्सनालिटी और ना मतलब एक माचो हो ना, वो रोब वाली है वैसे, ऊंचाई से डरते हैं। मैं नहीं बैठूंगा हॉट एयर बलून में। मैंने कहा टिकट खरीद लिया, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मुझे सीधा लगता है मैं ऊंचा नीचे देखूंगा ना, मैं छलांग लगा दूंगा। मुझे तो लगता है डर है, मैं भी छलांग ना लगा दूंगा। मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं वापस। कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा, जहाज में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा 12 घंटे का रोड का रास्ता है, हां मैं मुझे वो बर्दाश्त है, 1 घंटा लगेगा प्लेन में। नहीं यार तुम बहुत इधर से उधर डोमेस्टिक एयरलाइन में ट्रैवल करती हो, मैं नहीं। पहले नहीं डरता, जो जहाज लंबी फ्लाइट है ना, और जहाज में अगर टर्बुलेंस आ जाए मेरा अल्लाह होता है, आयते होती है बस। मैं पहली दफा जब मैंने ये, मैंने कहा अल्लाह इतना जरा है ना, जरा ऐसा कि उसके पीछे मैं चुप जाऊं, मुझे डर लगे तो। बंदा ऊंचाई से डर रहा है, लाइए। ये तो 2 बिस्किट के डब्बे देने चाहिए मुझे यहां पे। नहीं मुझे सीरियस लगता है, मैं छलांग मार दूंगा। देखिए लोगों को फोबिया जहाज वाला अभी डेवलप हुई है, पहले भी था? नहीं जहाज वाला भी हुआ है, पहले नहीं था इतना खौफ। जब से खबरें सुने 2-3 पता नहीं क्या अचानक से खौफ बैठ गया। नहीं नहीं पहले नहीं, कितना सफर किया हमने यार। लेकिन अब वो लंबी फ्लाइट होती है उसमें मुझे जरा टेंशन होती है भाई। ठीक है चलो यार, बड़ा जबरदस्त काफी चीज जमा होगी। क्रीम नहीं मिली आपको? क्रीम चाहिए? क्रीम चाहिए नहीं, क्रीम क्रीम है विनेगर की जगह क्रीम, क्रीम दे देना। लाइए लाइए क्रीम ही है ना, लाइए तो बताए, लाइए जी दे दें। क्यों दे दो भाई, लास्ट बताए भाई। भाई एक बार तो मैं प्ले कर रहा था, तो मैंने कड़की कास्ट की, दरवाजा खुलता है रक्त, ये जिसको कास्ट किया इसको नहीं कास्ट करोगे इस ड्रामे में। मैं लैपटॉप पर बैठा हूँ, मैं कहा तुम्हारे मॉर्निंग शो में कौन गेस्ट आता है कौन नहीं आता मैं बोलता हूँ उसमें, मैं इसको कास्ट करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, यासिर मैंने कह दिया है इसको कास्ट नहीं करोगे। कह दिया तो कह दिया बस, मैं तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो करूँगा कास्ट, बैठो पर रिलैक्स, यासिर उसको कास्ट नहीं करोगे। मैं तुम बोलती रहो बोलती क्या, वहां से आइए मेरा लैपटॉप उठाया, सब तोड़ने की चीज बता रहा हूं। आप सब तोड़ लिया, फेंकने के बाद वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दिल सुकून नहीं मिला उसको। ये मुझे अबे आमिर लियाकत बना दिया उन्होंने, मेरा ध्यान अभी गया वहां पर यार। तो लेकिन यार अच्छा टीवी थोड़ा लैपटॉप थोड़ा ये सही नहीं, है घर में अब से मेरा सर बाकी है। अच्छा ये रहने दो, इस वक्त जो है इस वक्त फिर जब ये तोड़ा था तो फिर मैंने आईपैड आपको गिफ्ट किया था ना, हमें शर्मिंदा भी हुई थी कि यार ये नहीं करना चाहिए थी, ज्यादा हो गया। ये तो मेरा सर देख रहा हो देखिए, ब्यूटी कॉन्शियस आदमी इतने ज्यादा नहीं होते, मगर यासिर को जिंदगी में एक डर है, भले मोटा हो जाए भले गाने निकले कुछ, अल्लाह मियां कभी मैं गंजा ना हूँ, मैं बहुत बुरा लगता है। ये हर आदमी दुआएं करता है, ये बाल उम्रे पे जाके दुआएं करे अल्लाह मियां बस मैं गंजा नहीं करना अल्लाह मियां। मैं अच्छा ये उम्रे पे जाके सेकंड ईयर में था, तो मेरा सेकंड ईयर में मेरे दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको टाइफाइड हुआ ना, उसको ठीक हो गया, उसके बाद उसने बोला यार मैं गंजा होने जा रहा हूँ, तू भी चले यार बाल बड़े अच्छे आते हैं यार। मैं चल मैं भी चलता हूँ, ये गंजा हो रहा था मैं भी हो जाता हूँ क्या है इसमें, इतना बुरा लगा हूँ मैं गंजा होने के बाद, मैं पछताता रहूंगा यार अल्लाह मैंने क्या कर दिया, अच्छी मुंह निकला
मैंने दोबारा कभी नहीं होना वैसे एक्टर का एक नाइटमेयर होता है वो अगर गंजा हो जाए चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो For male actors, it's a big issue. अच्छा और ये विग भी नहीं लगा सकता ना इसको बहुत गर्मी लगती है तो भाई कोई डिजाइनर कपड़े दे दे दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है अनकम ये तो दूसरा राज है मैं क्यों बताऊं ये तो अगली ये राज नहीं ये तो रोक लो रोक लो नहीं ये राज नहीं है आपको कंडेंस मिल चाहिए राज बताएं जल्दी से इतने अच्छे अच्छे राज बताए टीवी लैपटॉप इसके बाद अब सर नहीं नहीं अब मेरे पास नींद में जो होती है हंसती है सोते में सीरियसली मैं सोया हूँ अचानक मेरी आंख खुली बड़ा हंस रहा है नहीं क्या है कितनी अजीब सी बात है कि मेरा कमरे में एक हंसी की आवाज आ रही है नहीं कभी कभार होता है लेकिन नींद में क्योंकि हंसते हुए देखा किसी को सही है बच्चू सही है आने तो मेरी बारी नींद में हंसते हुए किसी को देखा है नहीं आने तो मेरी बारी ये तो पहली बार देखा मैंने अगला जो मैं बताने वाली हूँ राज वो उससे मजे का और राज किसी ने सुना ही नहीं होगा कौन सा नींद में चलते थे बोलते थे नहीं, नहीं, नहीं। एक दफा जब ये छोटे थे तो ये बिस्तर से उठे और चलने लगे तो उसके बाद जो है वो इनके रोज यही होने लगा तो इनके भाई ने एक दफा पकड़ के उनको लिटाया पकड़ के यासिर यासिर उठो इस तरह एक दिन नींद में चल रहे थे ये उठ गया और कह रहे वो इनका जो भाई है फराज वो कह रहे यासिर यासिर उठो उठो अब ये उठ गए नींद में उनके मुंह पे खींच के चांप से मार मारा ओ भाई मैं उठ चुका हूं क्योंकि वो हिलाए जा रहा था लेकिन मैं रोड पे खड़ा हूं ना हां मैं रोड पे हां बाहर आ गया रोड पे हां हां नहीं क्या आ गया सबसे मैंने ना कान लगा के सुनने की कोशिश की है कि क्या मुझे कोई राज पता चल पाएगा देखिए इतना तेज बोलता है नींद से ही समझा दी ये बहुत डेंजरस भाई बात है नहीं मैंने मैंने फिर नहीं नींद तो नहीं चलता मैं नींद में लेकिन मैं वाकई चलता था नींद अब तो खैर अब क्या किया आपने पता नहीं क्या है बस देखो आप देखेंगे कि किसका ज्यादा अच्छा बना है एंड में देखते हैं यासर की लास्ट हलीम थोड़ी बनाना था स्ट्रॉबेरी सॉस यानी कि टॉपिंग जो है वो लास्ट है अच्छा। अब राज बताइए आखिरी राज यार हमने कसम से ये तो तुमने बेईमानी की है सारी राज में दिया हमें ये अब मुझे क्या पता था यार मुझे तो उसमें है आप बस बता दे लास्ट है लास्ट ये मैं शायद कहीं बताया हो बहुत पहले मैंने नई नई शादी हुई मैंने पूरा बेडरूम सेट किया मैंने महंगे पर्दे लिए ना अपने रूम के लिए कम से कम उस वक्त थे 60-70 हज़ार रुपए के मुझे पीछे नेट वाले आगे में एक्सपेंसिव पर्दे ये वो मैंने बड़ी महंगे खर्चे जो करके अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग शादी की सेकंड डे सुबह निदा उठी फिल्मी स्टाइल से ना उन्होंने दोनों पर्दे पकड़ के हीरोइन खुलती फिल्मों में मेरी दिल आहिस्ता भाई क्या हो गया यार इतना महंगा पड़ता रेलिंग टूट गया सब कुछ हो जाएगी इतना महंगा लगाया तो फिल्मी स्टार से बोले इसको इस तरह खोलते हैं आराम से टिकटक ये ना ये इस तरह खोलते हैं यार ये जबरदस्त आज राज पता चला लेकिन अब दोनों मुझे चखेगी निदा और निदा बताएगी मैं डाइट पर हूं भाई एक सारा सा चखे बताएगी कौन सा ज्यादा अच्छा है इन लोगों क्या बनाया होता है ऐसी डाइट वो कुछ लाते रहता सेल्फ ऑब्सेसिव इस मामले में कि मैंने नहीं निदा आप अच्छा चला यार सच में ये सच बताना है यार सच बताएं यार ज्यादा नहीं खाओ यार हम डाइट बहुत मजे का है नहीं तो आप वो भी चख लेना यार ये तो अच्छा है वो एंड एंड निदा का भी चखे ना यार एंड आई हैव सिरप नहीं लो नहीं एक मैंने वाला बना के दूंगी मैं दूंगी रुक जाओ आप खाली सिरप ले रहे हो इसको ऐसे खाते हैं जो चमचे आपने तो छोटे रखे हैं जिस आदमी का मुंह बड़ा हो वो क्या करे अब आप खा के बताएं ज्यादा अच्छा कौन सा यार ये अब सच बोले भाई कौन सा ज्यादा अच्छा खाते रहेंगे आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान Come back.
यासर हमारे साथ मौजूद हैं दोनों, और अभी कुछ दोनों परेशान हो गए हैं। अच्छा हाँ। निदा इसलिए परेशान है कि भी मेरा कैमरा कौन सा है, मुझे कहाँ देखना है। और मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे लगा आज निदा की गोद में खरगोश रखा जाएगा, लेकिन वो खरगोश नहीं रखा गया। मुझे दुख है इस बात का। नहीं रखा गया। हाँ दुख है मुझे इस बात का। आप क्या चाहते हैं मैं क्या क्या रखता? नहीं खरगोश। कौन-कौन से जानवर निदा को सबसे पसंद है? नहीं आप खरगोश नहीं, आप टाइगर का बच्चा रख देते, आप गब्बर शेर रख देते, सांप रख देते मेरे ऊपर। मेरे तो यासिर तो आपको अगली फिल्म में भी हीरो ले अगली 10 फिल्मों में हीरो ले लेता एक में नहीं 10 मेरा बड़ा बच्चों का मेरा बड़ा मूड हुआ घर में कुत्ता रखूं ना मैं। हाँ। अभी हम कुत्ता लेके आ गए। अब निदा मैं घर छोड़ के चली गई। निदा ने बोला इस घर में कुत्ता रहेगा या मैं रहूंगी, तो मैं कुत्ता रहेगा, कुत्ता रहेगा। और वहां चली गई छोड़ के, चली गई है पूरा रात गुजरा। खरगोश वाली चीज है तो मैं कहती मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है। सीरियसली मुझे ही बोला था खरगोश कुत्ते बिल्ली सब है, आप आ जाए कुछ नहीं है। अच्छा सेगमेंट हमने थोड़ा चेंज ये किया है इसमें कि कुछ आपकी फेवरेट चीजें होंगी इस ट्रेजर बॉक्स में, और जो जवाब नहीं दे पाएगा मेरे सवाल का, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का जवाब जो नहीं दे पाएगा, वो अपनी यहाँ से पिक एंड चूज कर सकता है। वो चीज उसको पहननी पड़ेगी, वो चश्मा निकल सकता है, कोई स्कार्फ हो सकता है, कोई कैप हो सकती है, तो इट्स ओके। ठीक है रेडी? रेडी ठीक है जी। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और पहला सवाल है ये देखिए जी, Who did England beat in the final of 2019 Cricket World Cup? यानी England ने किसको बीट किया था 2019 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या न्यूजीलैंड? क्रिकेट में तो मैं जीरो हूँ, क्रिकेट में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जवाब सही। निदा आप चूज करें कौन सा नंबर? दे दे नंबर 3। नंबर 3 क्रिकेट मुझे नहीं पता कुछ भी इसके बारे में। नंबर 3 में है जी बिग ग्लासेस, अच्छी चीज है, कूल लगेगी, कूल लगेगी। लाइए जी ट्रेजर बॉक्स में से बिग ग्लासेस निकलेंगे। बिग ग्लासेस निकालते हैं, कहां है जी Big glasses. Funny glasses. Big glasses. Funny glasses. अच्छा जरूरी तो नहीं है मैं पहनूं ये भी। ये क्या तस्वीर के लिए कौन क्या शॉट कर रहा है? क्या शॉट है? क्या शॉट? Very nice. कुछ देर लगा के रखें। हाँ लगा के। ठीक है जी. Next सवाल. ये मैं इंस्टा पे लगाऊंगा. निदा देखो. ये इंस्टा पे डायरेक्ट लाइट चली गई. रुक जाओ पहले प्रॉपरली लगा लो. अच्छा. सीरियसली यार. भाई मैंने मॉर्निंग शो पे इतनी दफा एसन से ये चीजें कराई हैं, अब अच्छा नहीं लगता ना कि मैं ये ना करूं। हाँ, सही बात है यार। अब तो हक अदा करूंगी क्योंकि मैंने भी जाना निदा के शो में बहुत जल्दी, पर निदा ने ऐसी गेम प्लान कर ली जिसमें मुझे ऐसी ऐसी चीजें पहनानी है निदा, इसलिए पहन लेना। अगला अगला सवाल गौर से सुने, गौर से सुने। सवाल है जी द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन अर्थ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हमिंग बर्ड, कीवी या नाइटिंगेल? ओके निदा Hummingbird. जवाब सही है। नंबर फोर। फोर यार एक चीज निकल आई क्या? मिकी माउस। एयरबैग। मिकी माउस है क्या? एयरबैग। एयरबैग यार ये तो इतनी मुश्किल से एक आदमी बाल बना के आया है यार, इतने अच्छे बाल है मेरा दिल ही कर रहा। और मैंने ये बाल थोड़ी और मजे मजे की चीजें रखी थी, अच्छी ये तो कूल चीजें रख ली हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following flower is called the queen of water? नंबर 10
माफ किया मुझे तो शुक्र एक दफा, क्या पता दोबारा माफ किया आ जाए। यार अच्छी चीज ज्वेलरी दिख रही है, ज्वेलरी है। हाँ ठीक है, ज्वेलरी बनी होगी ना। चले अच्छा क्या टीका है क्या है? ये बात सब को लगेगा या से सही जगह पे लगा, ये जहाँ मर्जी लगाए बस सामने लगाए। सोचो ये मैं पहन रहा होता। आप यहाँ पहन रहे थे ओके लग गया ठीक है। अरे ग्लासेस भी साथ रखे ना जरा, दोनों चीजें। ये कूल। नेक्स्ट सवाल बहुत मुश्किल बहुत आसान। द बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ कैट फैमिली लायन। मैंने उड़ा लिया टाइगर चरण दा आ जाओ। यार लग रहा है कि ये पहले से स्क्रिप्ट लीक हुआ है। नहीं कोई लीक नहीं हुआ। पेपर आउट है, पेपर आउट है, पेपर आउट है, पेपर आउट है। हाँ जी नेता चूज कर। अल्लाह ये तो नाइन। नंबर नाइन। लग रहे माँ। ये रेड वाला क्या? ये रेड। क्या? हेयर बैंड। डेविल हेयर बैंड। यस। ये। ग्लासेस क्यों डाले तुमने ना? अब वो मुझे नजर नहीं आ रहा, तभी तो मैं हार रही हूँ। ठीक है जी। What is the date when the day and night are equal? मैंने पहले से देख ली है। है equal है। January 14th, September 23rd या March 21st, September 23rd या 14th and June 23rd? मैंने पहले आधा क्या है? बोले। B March 21st and September 23rd। ये देखे ना ये जवाब सही है। चलो कोई बात नहीं। Choose करे। Number one। चलो जी। कौन number one? Ashraf Khan। Yeah। Yeah। Oof, oof, क्या है? अच्छा मैं पहले ही सोच था कि ये फर वाली जो चीज है ये निदा की तो ना निकले यार ये मैं और वही निकल आई। आपने नंबर वन चूज किया। अच्छा, नंबर वन पर आप नोट करें फर आया ना यासिर में एक लचक आ गई। यू गए अब बैठे में यूटा के फंसा के जोड़ के। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है, अब ये हो सकता है कि अगर यासिर ने जवाब सही दे दिया तो ये उतर भी सकती है फर। Motorway M2 is between which two following cities? Lahore, Peshawar, Lahore, Karachi, and Lahore, Islamabad. Yasir. Lahore, Islamabad. क्या बात है? Number 8. Nida और Yasir शुक्र करें कि खत्म होने वाला तकरीब कितने हैं? हाँ, शुक्र है तीन रह गए. तीन रह गए. क्या है माफ नहीं किया? हाँ ये. ये क्या? ये है जबरदस्त. ये सही है, मुझे हेयरबैंड नहीं पहनना। नहीं मुझे मुझे एक्सचेंज नहीं करना, मैं इसी में खुश हूँ। Enjoy कर रही है कि या वो सबसे ज़्यादा enjoy रही है ये कर रही है ये जो पहन लिया यासिर ने ये। Wow man very cool। कोई और खुश होना हो हमारे बच्चे बड़े खुश होंगे। ये segment देखिए। ठीक है जी अगला है। How many times what's three? How many times does the sun is bigger than the size of earth? Okay I know. हाँ 99, 101 या 119? 109. जवाब सही। ये देखे यार ये भी ये हैंड कितना कूल है यार। सही से लगाओ ना प्रॉपर हाथ बना लेंगे।
टोपी सूट नहीं करती, एक वाइट टोपी ये सूट करिए सर, बस ये पहन के जाऊंगा, ये चलेंगे, ये वैसे कूल लग रही है। हाँ, नॉट बैड। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, कौन क्या पहनेगा नेक्स्ट? एक दो चीजें रह गई हैं, खराब हो गए। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन पाकिस्तान, नेपाल या भूटान? यासर पहले नेपाल। नेपाल जवाब सही है। अच्छा मैं नहीं, मैं नंबर बताओ, नंबर मैं जवाब बिल्कुल सही है। हां मैं पाकिस्तान दे रही हूं। नंबर बताइए। टू में है। हार दो, हार दो इसको। क्या बचा? तो इतना सामान ही खत्म हो गया। क्या है? तो कर खरगोश नहीं है। नो, ये क्या? अल्लाह लगाओ। हाय अल्लाह, हाय। ये तो लगाना पड़ेगा। ये तो अब ग्लासेस पहनी, ग्लासेस। ये एक तस्वीर सेल्फी। तुम हमेशा, तुम्हारी शिकायत होती है ना कि तारीफ नहीं करते मेरी, इतना प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। Very nice यार, wonderfully played guys, बहुत मजा आया। Thank you यार, ऐसे खत्म। शुक्र मैंने बाकी इंटरव्यू ऐसा ना करे। छोटा सा ब्रेक के हमारे साथ रहिए, देख रहिए टाइम आउट विद एसएम खान। हमारे साथ मौजूद है यासर और निदा। मुझे ये बताएं, दोनों में मिमिक्री में कौन ज्यादा अच्छा, नकल उतारने में? नहीं, मैं कहां उतारूं? अच्छा हां यासर, मुझे तो नहीं आती, आप ही अच्छी, आप बहुत अच्छी नकल उतारते हैं। सही बात है। हां नहीं भी उतारते तो निदा ने कह दिया तो आपको मानना पड़ेगा। ये जो भी बोल रहा, आप बहुत अच्छी नकल उतारते हो, इसमें गुस्सा था इसके पीछे, है ना? मैं कह रही हूं वो मानो, मुझे बाकी उतारते नकल मिमिक्री नहीं, नहीं। सबकी नहीं उतारते, मेरे मुकाबले में वो बेहतर नकल उतारते। ठीक है जनाब, तो ये हमारा सेगमेंट है दिल खोल के, और इसमें आपके पसंदीदा लोगों के नाम निकल सकते हैं, आप बहुत से प्यारे प्यारे लोगों के नाम निकल सकते हैं, कुछ गाने भी निकल सकते हैं, तो आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। अगर गाना निकला उस पर आज देखेंगे कि परफॉर्म कौन ज्यादा बेहतर करता है, और किसी का नाम निकला तो आप उनके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। तो आर यू रेडी? पहले पहले किससे निकलवाएंगे? पहले यासर, ये ले जो। अब मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी होगा या होगी मेरे दिल के बहुत करीब होगा या होगी। मैं ऐसी गेम कर रहा ना, सीरियस ना ले। आपकी फेवरेट रशीद का नाम निकले, आपकी फेवरेट हो सकता है, कोई हो सकता है, हो सकती है कोई, और यार ऐसा क्या छोटा किया पर्ची को साइड से काटा। ओ मथेरा, और और देखो ना, और क्या है? और नहीं, और ऐसे तो नहीं करती ये पाउट तो बनाओ। नहीं भी करती पाउट भी। आपको वैसे पाउट बनाने की जरूरत नहीं, आपके वैसे ही ऐसे तो नहीं पाउट बनता है। नहीं मैं तो सेम, और फिर ये ओके नेक्स्ट, निदा आपकी बारी। ओके क्या? हाँ अब दिखा दे स्क्रीन। हाँ, नादिया खान। नादिया खान बहुत, मैं तो इनकी फैन हूँ, और इनसे अच्छे इंटरव्यूज कोई नहीं ले सकता, लेकिन फर्स्ट करेगा मैं आपको इंटरव्यू ले। नहीं नहीं, अच्छा नादिया खान, नहीं सीरियसली मैं इनकी फैन हूँ और सबको पता है। दिल से बोल, दिल से बोल रही हूँ, मुंह चेहरे पे स्माइल। अच्छा, अब मैं नादिया खान से फोन पे बात कर रही हूँ, ठीक है ना? फोन पे बात, हाँ नादिया ये हो रहा है फलाना, अब नादिया क्या करेगी? हाँ सुनो अलीजे, जरा हाँ धोबी को कपड़े दे दो। अरे दे दो। हेलो नादिया, हाँ हाँ निदा एक मिनट होल्ड करो, वो मासी से कहो रोटी पका दे जल्दी से, हाँ आने वाले होंगे वो, मतलब फोन पे बात हो रही है सारे घर के। अच्छा ये से आधा बताया है, अब मैं निदा हूँ, तुम नादिया हो, तुम यही करना ठीक है?
हेलो नादिया, पता क्या हुआ? तुम नादिया बनी हुई हो? मैं नादिया। हाँ निदा, और वो हाँ देखो नादिया मस्ता, ये निदा नादिया मस्ता, ये शो भी करते हैं मेगावाट साथ उस बात और नहीं 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 जो ये भी गाना है, क्या बात यार, गाना आ गया, क्या करें, गाना आ गया ना। अभी बैलेंस कर रहा हूँ, प्यार किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। उसको पता है भाई, प्रोड्यूसर मैं हूँ। क्या उसको पता है? प्रोड्यूसर मैं हूँ। मुझे लगता है पहली बार गाना कहीं परफॉर्म किया है इस वक्त। किसने? नहीं, किसी स्टेज शो में कभी किया है? इकट्ठे नहीं, मुझे आता है इतना अच्छा डांस ना यासिर को। तो बड़ा अच्छा किया है। कौन सा किया अच्छा? ये तो पुरानी फिल्मों वाला करवा लो, हमने दरख्त के इर्द-गिर्द घूमना, वो हम कर सकते हैं। चलो जी। मेरी जानू बुशरा अंसारी, हमारी फेवरेट, हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट, मेरी तो जान है वो। यस, तो इनकी क्या करें हम, इनके बारे में कोई बात बतानी है, एक्टिंग करनी है? कोई भी बात। यार इनकी एक्टिंग तो आई डोंट थिंक सो कि इनके बराबर भी कोई पहुंच सकता है। इनकी मिमिक्री करना बहुत, सुपर टैलेंटेड खातून है, सुपर टैलेंटेड खातून तो है, साथ बहुत अच्छी इंसान भी, इंसान नो डाउट, नो डाउट। इनके बारे में बता रही हूं, एक्टिंग करो ना, इनके बारे में बता रही हूं, इनके हाथ पैर हसीन तरीन है भाई, हाथ पैर तो नजर बहुत हल्का, चेहरा भी प्यारा उनका, चेहरा तो प्यारा है तो, लेकिन हाथ पैर हसीन नहीं, तुम ये बात गलत की है, चलो चेहरा भी प्यारा है, हाथ भी प्यारा है, ये फसा रहे चेहरा प्यारा है, लेकिन मैं कह रही हूँ उनके हाथ पैर का मुकाबला हम लोग कोई यंग लड़कियां, हम लोग नहीं मतलब कोई यंग लड़कियां, वो यंग भी है ना, इसको ये ना करो यार, क्या वो यंग भी है यार, ये कोई यंग लड़की मुकाबला नहीं कर उनको, कोई एज का कॉम्प्लेक्स हाँ, नहीं है, नहीं है, वाकई नहीं है उनको, कोई कॉपी करो उनके, मैं करो, मैं बता, कॉपी नहीं कर दूं, कोई बात बता दे, चलो आप कर दें उनकी कॉपी, कैसे कर सकते हो उनकी लिए, सॉरी उनकी कॉपी कैसे कर सकते हो यार, उनकी सबसे अच्छी बात है कि मैं हंसी कर सकती हूं, जो उन्होंने कैरेक्टर किया था टाके के, वो ये कितना मजा किया था यार, कौन सा इसमें किया था, वो नहीं है टाके की आएगी बरात में, इसी तरह हंसती थी, फैसला बाद सायमा चौधरी बनी हुई थी, सायमा चौधरी कुछ भी कर ले इनके, हाँ ओ यस, कौन है उनका एक खास, मैंने एसन अपना साहिर से, मैं एक दो बहुत ज्यादा क्लोज जानता है, शो ही देखे हैं, मिमिक्री कर लो ना, मिमिक्री कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, असल में एसन, मैं जो तुम्हारे शो में ऐसे कुछ बोलते नहीं, बारिश हो रही थी, वो रेडियो वाला कर लो ना सीन, चारों खान रही थी, मैं जा रहा था गाड़ी में और अचानक से आवाज आई, सुनते हो, अचानक आवाज चली, दूर से घंटी की आवाज आई, पता नहीं क्या है यार, ये रात हो गया एफएम शो, एफएम शो रात को यही होते हैं, हाँ रात को, अच्छा ऐसे ही मैंने कभी सुना नहीं वो उनका, नहीं नहीं बहुत टैलेंटेड है साहब, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, नहीं टैलेंटेड तो है वो, नो डाउट, ठीक है जी, लास्ट पर्ची, अब ये आप ही ने निकालनी जो भी है, मैं तेरे लड़ लगी, हाँ पंजाबी कोई गाना है, कौन सा गाना है ये,
कौन सा है? गाना चलाओ यार, गाना चलाओ। मजाक के सारे जितनी भी खवातीन है ना वो मार्च वाली सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्या आपने सोटी क्यों दिखाई अपनी बेगम को? ये बोल दो कि ये मजाक था। हाँ ये मजाक है, बाकी बोल रही हूँ, सीरियस कह रही हूँ। हाँ ना और क्या। नहीं नहीं यार मजाक ही था, ऑब्वियसली। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। आप यकीन करें दोनों कि आप लोगों के साथ शो करने में ना टाइम इतनी जल्दी गुजरा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक लंबा मैंने शो किया। हमारा शो काफी, इट्स अ क्वाइट लॉन्ग शो, हैड सो मच ऑफ फन। थैंक यू सो मच यार। नहीं थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा शो करते हैं आप, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आता है। थैंक यू। और वही वाली बात है ना, बहुत सारे शो और हो रहे हैं, बैठ के होश खिलता ही नहीं है। शो तो अच्छा लगता है, सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। सेट अच्छा है, लाइट अच्छी है, टीम वर्क अच्छा, और होस्ट बहुत अच्छा, होस्ट अच्छा है। थैंक यू। डीके भी अच्छा है, कामरान भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, अशरफ भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। निदा भी अच्छी है, बोलो निदा भी। ये जरूरी है, ऊंचा बोल क्या? निदा भी अच्छी है। कैसे हो भाई? यार नहीं, निदा निदा अच्छी नहीं है, निदा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। दो नहीं चाहिए। जनाब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए आइए मेरे साथ आइए, यहाँ पे आइए। आई विश यू बोथ ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और आपकी स्पेशली फिल्म आ रही है, क्योंकि इस फिल्म में मैं भी हूँ, लेकिन मैं ना भी हूँ तो फिर भी आपको गुड लक विश करता दोनों को, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर। ऑब्वियसली चक्कर फिल्म हम देखेंगे और हम इंतजार करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यासर, थैंक यू। जनाब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सुपरस्टार जोड़ी के साथ, तब तक लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Hey!